दोस्तों, दुनिया में पानी के बिना खेती करना नामुमकिन जैसा है। सऊदी अरब देश बिना पानी के खेती करने जैसा समस्या का सामना कर रहा है। साल 1980 से लेकर 1990 के समय भूमिगत पानी को सिंचाई के रूप में अंधाधुंध काम में लेने के बाद कुछ सलून में पानी खत्म हो चुका। सऊदी में एक भी झील और नदी नहीं है। साल में एक से दो बार बारिश तो होते हैं, लेकिन वो बेहद कम। वर्तमान में पानी के प्राकृतिक स्रोत खत्म की कगार पर है। देश के 95% खेत में रेत और बालू मिट्टी भरा पड़ा है। सऊदी देश के कृषि आय में खजूर का सबसे बड़ा योगदान रहा। साल 2020 में केवल खजूर का निर्यात करके 927 मिलियन रियल मुद्रा की आय की थी, जो देश के लिए विशेष योगदान रखा। खजूर ज़्यादातर गर्म और शुष्क जलवायु में फलने फूलने वाला पेड़ है, जिसका फायदा ये आपदा में भी अवसर बनता दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब में खजूर की खेती के बढ़ते क्षेत्रफल और वार्षिक उत्पादन निर्यात के बढ़ते आंकड़े आने वाले समय में शीर्ष स्थान रखने की क्षमता रखता है। हर साल सऊदी अरब देश 15 लाख मेट्रिक टन खजूर का उत्पादन करता है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में हर साल सर्दियों में बारिश होती है, लेकिन देश के दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर औसत अधिकतम 100 मिलीमीटर तक प्रति वर्ष बारिश होते हैं। खजूर के पौधे की रोपाई के लगभग 5 साल बाद पहली फसल के लिए तैयार होते हैं। फलों की कटाई 3 चरणों में की जाती है: ताजे फल, नरम या पकने की अवस्था और शुष्क अवस्था। मानसून की शुरुआत से पहले फलों की कटाई पूरी करते हैं। प्रारंभ के वर्षों में उपज कम होते हैं। पौधे की उम्र में वृद्धि के साथ साथ उपज में भी बढ़ोतरी होती है। 10 वर्षों के पौधे से प्रति वृक्ष औसत 50 से 70 केजी फलों की पैदावार होती है, जो 15 वर्ष की आयु के पौधे से लगभग 75 से 200 केजी तक हो जाती है। खजूर तोड़ने के बाद उनकी सफाई बेहद जरूरी है। उसके बाद पैकेजिंग करके दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।